आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रामपुर मथुरा कस्बे की हकीकत आज हम दिखाते हैं आपको। जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के थाना ब्लॉक रामपुर मथुरा के कस्बा रामपुर मथुरा में जरा सी बूंदाबांदी भी होती है तो सर के नदियां का रूप ले लेती है और इसके जिम्मेदार मौन रहते हैं। आखिर कब तक जल जमाव से मुक्ति मिलेगी? रामपुर मथुरा कस्बे की सड़कें वहीं पर दुकानदारों से पूछने पर पता चला कि जरा सी हल्की बारिश अगर हो जाती है तो हमारे दुकानों के अंदर पानी भरने लगता है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? जबकि रामपुर मथुरा ब्लॉक थाना कस्बा की सड़कें सभी मेन रास्तों को जोड़ती हैं, फिर भी यह हाल है। जहां पर हमारे संवाददाता इंडिया आज तक टीवी लाइव के संवाददाता पहुँच चुके हैं और रूबरू करा रहे हैं सभी तस्वीरों से। आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है? इसी वजह से कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं रामपुर मथुरा कस्बे में दुकानदारों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि खाना पूर्ति के लिए नालियों का कचरा ऊपर ऊपर साफ करवा दिया जाता है, फिर वह कचरा वहीं छोड़कर चला जाता है। आज तक उठाया भी नहीं जाता है यह कचरा, जिसकी तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखाने के लिए मौके पर पहुँच चुके हैं। बने रहिए इंडिया आज तक टीवी लाइव के साथ, गौतम सिंह चौहान के साथ इंडिया आज तक टीवी लाइव। हमारे इंडिया आज तक की टीम पहुंची है कान्हावा ब्लॉक कस्बा रामपुर मथुरा में, जहां से चार बूंदाबांदी में यहां की सड़कें, कस्बे की जो मेन सड़कें हैं वो नदियों का रूप ले लेती हैं, जो हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के दुकानदार जो हैं उनकी दुकानों में काफ़ी जलभराव हो जाता है और इस पर ये मेन रोड है जिससे जिला से लेकर के अन्य जिले तक अधिकारी भी आते जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र में ये चीज़ें नहीं गड़ती, जैसे कि कुंभकर्ण की नींद सोते हुए निकल जाते हैं। और जितने भी अधिकारी रामपुर मथुरा ब्लॉक से लेकर के जिले तक और तहसील से लेकर के कस्बे का भ्रमण करते हैं वो अधिकारी सब अंधे बहरे व गूंगे नजर आ रहे हैं, जिस पर कीचड़ से और जल भराव से किसी को ये चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, जिससे जनता को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे एक रस्तोगी जी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी दुकान बिल्कुल आमने सामने, देखते हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनको इस जल भराव से क्या दिक्कत होती है और कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रस्तोगी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको इस जल भराव से क्या दिक्कत होती है? और थोड़ी पूरी बरसात भर दिक्कत रहती है, पूरी बरसात भर दुकान के अंदर पानी भी भर जाता है और जो है समझ लीजिए कि ठंडा पानी सब बंद हो जाए। अच्छा, ठंडा पानी बंद हो जाता है। यहाँ पे कितना पानी हो जाता है लगभग? अरे ये मान के चलिए कि पूरी भर, यानी घुटने पर। अच्छा, तो सब यहाँ तो आ जाता होगा ऊपर? हाँ, पानी दुकान के अंदर आ जाता है। मौके पर आदमी अभी आए के देखे पड़े तो कुछ सामान कुछ नहीं लगा। अच्छा, रात में भी पूछना आके देखना अच्छा, पड़ता है कि कोई सामान तो नहीं भीग रहा। और ये जो बक्से वाली दुकान है, ये दुकानदार इनके यहाँ इनसे पूछना चाहेंगे कि इनको चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कैसा इनको महसूस होता है जब बारिश होती है, यहाँ पे जल भराव होता है, सड़क यहाँ का नदियों का रूप लेती है। आइए हम बात करेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। इस दुकानदार, ये इस टीचर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे यहाँ बहुत पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है निकलने क्या किया जाए, दिखाई देता नहीं जाती है। यहाँ पे ग्रामीणों का कुछ प्रकार कहना है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट दे दी जाती है उसके बाद में सब लोग मुँह मोड़ लेते हैं, इस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है। और आगे की जानकारी हम पल पल की जानकारी दिखाते रहेंगे इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज चैनल। चलो ये बताइए, आपकी दुकान यहाँ पे सामने खाने के लिए बगल में है, हर अनेक अधिकारी जिले से लेकर के और ब्लॉक तक और तहसील तक आया करते हैं। ये बताइए, जो जरा सी बूंदाबांदी में ये सड़कें जो हैं, यहाँ की गलियाँ, ये मेन रोड है और ये जो नदियों का रूप ले लेती हैं जरा सी बूंदाबांदी में, इसमें आपको कैसा महसूस होता है? आपकी दुकान तो जैसे सामने है, हर समय बदबू आती रहती है और ये सबसे मुख्य वजह नाली है, नाली नहीं होने की वजह से यहाँ पे जलभराव होता रहता है।
अच्छा, ये हमारे उत्तम भाई हैं दुकान वाले, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जो ये बताएं कि ये सबसे मेन वजह ये नाली है और जो सड़क खाली बनी है उसकी वजह से ये जरा सी बूंदाबांदी में बारिश होने के कारण ये लगभग 5 महीने कीचड़ ख़त्म नहीं होता है, कीचड़ मुक्त रास्ता नहीं होती है और जरा सी बूंदाबांदी में ये नदियों का रूप ये सड़कें ले लेती हैं। और जहाँ पे हमारे संवाददाता दिखाएंगे कुछ नालियों की तस्वीर, जैसे कि ये कचरा पूरा जमा हुआ है, देख लीजिए नालियाँ इस प्रकार से हैं। ये कस्बा है प्रॉपर रामपुर मथुरा और ये हर रास्ते को जोड़ता है, जबकि जिले से लेकर के और तहसील से लेकर के ब्लॉक तक अधिकारियों का आवागमन रहता है, लेकिन उसे वहाँ से बंद करके आते जाते रहते हैं। और आपका किला किला लगाते हैं और आपको इस फ्यूचर से कैसा महसूस होता है जब यहाँ पे जरा सी बूंदाबांदी होती है, कार्रवाई नहीं हो रही है? हमारे मेला वाले भाई ने बताया ऐसा कि मतलब यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं से तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि किस कारण वजह से मतलब यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ब्लॉक प्रमुख से लेकर के और तहसील स्तर से लेकर के अधिकारी वीडियो से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के सब आस पास में ही रहते हैं, क्योंकि ब्लॉक की दूरी यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे ब्लॉक है और 25 किलोमीटर की दूरी पे तहसील है, जबकि हर अधिकारी यहाँ पे आता जाता रहता है, थाने के पुलिसकर्मी भी इसी से पैदल गश्त भी करते रहते हैं। तो उस बारे में हम पूछेंगे ठेला वाली भाई से कि क्या किसी अधिकारी ने अभी तक इसको संज्ञान में लिया है या नहीं लिया है। अरे ये 2-2.5 साल हो गया है करीब करीब, इसकी काफ़ी बार शिकायत की गई है, करीब करीब 8-10 बार पेपर में लिखवाया गया है, मीडिया के द्वारा लिखवाया गया है, लेकिन कोई क्यों नहीं रह रही है। आते हैं अधिकारी लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, लेकिन आते हैं देखते नीचे भी केवल मोबाइल देखते रहते हैं गाड़ी में बैठ करके और सीधे निकल जाते हैं। ये भी नहीं होता है कि नीचे देख करके कहाँ पानी भरा है, कहाँ पानी नहीं भरा है। अभी 1 साल बाद यहाँ पे 15 सफाईकर्मी केवल खाना पूर्ति करने के लिए आए थे और केवल ऊपर कचरा निकाल करके चले गए और इसको हटाया नहीं। देख लीजिए अभी 5-6 दिन पहले आए थे, इसको साफ कर गए नाली हल्का ऊपर खाना पूर्ति के लिए और छोड़ दिए गए थे, इसको फेंका भी चले गए। ये है कस्बे का माजरा, रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर ब्लॉक व ब्लॉक रामपुर मथुरा थाना रामपुर मथुरा तहसील महमूदाबाद के कस्बे का ये हाल है। आगे की जानकारी उत्तम भाई आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे संवाददाता दिखाते रहेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर इंडिया आज तक लाइव टीवी पर ये तस्वीरें। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।